एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट फहद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। और जनाब मेरी कहानी शो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वक्तन फवक्तन पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं जो माशाल्लाह कुछ ना कुछ खुद कर रहे हैं और कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि जिससे और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनके काम ऐसे हैं कि और बहुत सारे लोग उनकी कहानी सुन के, उनके जर्नी ऑफ लाइफ को सुन के और उनके प्रोजेक्ट्स को देख के मोटिवेशन ले सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें अपने शो में इनवाइट किया जाए ताकि आप लोग उनसे सीख सकें। और हसबे रिवायत आज भी हमने अपने एक बड़े खास और स्पेशल गेस्ट जनाब नदीम शहजाद भाई को अपने साथ लाइव लिया है। आप वर्जीनिया यूएसए से हमारे साथ लाइव हैं और नदीम साहब क्या हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ हैं और हम इन्हीं से ही जानेंगे आप जो है वो क्या क्या करते हैं और किस तरह के जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं करंटली, आपका पास कैसा था वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इनकी कहानी जानेंगे आज। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से टाइम निकाला और आप हमारे शो में तशरीफ लाए, हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे जो सुनने और देखने वाले हैं यकीनन वो जानना चाहेंगे कि नदीम शहजाद भाई कौन है बेसिकली और कहां से हैं और किस तरह से जो है वो आपका माजी कैसा था। बेसिकली हम कहानी आपकी जानना चाह रहे हैं, किस तरह से आप ऐसे हो गए जैसे आप हमारे सामने आज हैं माशाल्लाह। जी ओरिजिनली मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से हूं और मैं आई वेंट टू एफजी पब्लिक स्कूल, महफूज रोड रावलपिंडी में है। और इसके बाद बेसिक एजुकेशन मैंने वहाँ से हासिल की, इसके बाद गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में मैंने एफएससी की। तो शुरू से ही मैं काफ़ी मेरा माइंडसेट काफ़ी टेक्निकल था और मैं कुछ ना कुछ टेक्निकल करना चाहता था। मेरा स्कोप जो था वो इंजीनियरिंग की तरफ था। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ पर मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। लेकिन मेरा स्कोप था कि मैं इंजीनियरिंग की तालीम जो हायर एजुकेशन है वो बाहर से यूएसए से लूँ। और सो मेरे वाले साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया। तो आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अलबामा, मोबिल अलबामा, जो अलबामा एक स्टेट है यूएसए में। वहाँ पर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन उसमें मुझे कोई इतना मोटिवेशन महसूस नहीं हुआ। तो मैंने अपनी फील्ड जो है फिर सॉफ्टवेयर की तरफ चेंज की, क्योंकि सॉफ्टवेयर का उस वक्त काफ़ी बूम था आईटी का। तो बेसिकली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर साइंस लगी। तो So I moved to Virginia and I got admission in computer science. और मैंने वर्जीनिया में फिर मैं तकरीबन it has been about more than 15 years I have been living here in Virginia. तो मैंने bachelor of science computer science में degree ली Virginia University से। शुरू में जब मैं यहाँ पर US में आया तो कोई ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी यहाँ पर वर्जीनिया में, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सो काफ़ी शुरू में टफ टाइम था इस लिहाज से कि काफ़ी आर्ट किस्म की जॉब्स करनी पड़ी, क्योंकि आपने अपने आप को भी सपोर्ट करना होता है और आपने यहाँ पर ट्यूशन वगैरह भी पे करनी पड़ती है आपको यूनिवर्सिटी में, जो कि अमूमन इफ़ यू कम एज F1 स्टूडेंट आपके लिए वो आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो लेकिन शुरू में काफ़ी टफ था टाइम, लेकिन मेरी एक गोल था, मेरी एक कमिटमेंट थी कि मैंने हर हाल में एजुकेशन कम्प्लीट करनी है और डिग्री हासिल करनी है जितना भी मुझे टाइम लगे उसमें। तो बहरहाल फाइनली आई गॉट माई बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब मिली और फिर मैं आई वांट टू डू फर्दर एजुकेशन। तो उस कंपनी ने फिर मुझे सारा पे किया और मास्टर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पर की थ्रू दैट कंपनी। तो सो बेसिकली यू नो In few minutes, I
described کہ یو نو پچھلے کافی سالوں سے یعنی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور how I achieved to this point. ماشاء اللہ آپ نے مختصر اور جامع جو ہے وہ انداز میں اپنی کہانی بھی سنا دی اور سب شیئر کیا, بہت اچھا لگا ندیم بھائی اس حوالے سے جان کے. کرنٹلی ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے کافی محنت کی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد آپ آج اس مقام پر موجود ہیں, تو کیا ابھی کیا چل رہا ہے, کس طرح کے آپ کے پروجیکٹس ہیں, آپ شیئر کریں گے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں سے؟ جی سو ابھی میرا ابھی تقریباً 15-14 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہو گیا سافٹ ویئر انجینئرنگ فیلڈ میں, اور میں دو تین ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر چکا ہوں. ابھی کرنٹلی میں جو کام کر رہا ہوں, آئی ورک ایز اے لیڈ سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ, اور ڈیلوائٹ کنسلٹنگ فرم ہے جو کہ اٹس اے ملٹی نیشنل کمپنی, اور جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم مانی جاتی ہے. اور ہمارے پروجیکٹس ہیں کچھ یو ایس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, کافی ہائی پروفائل پروجیکٹ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, آئی آر ایس وغیرہ, بڑی بڑی ایجنسیز کے ساتھ. سو آئی بیسکلی لیڈ دا سافٹ ویئر پروجیکٹس, اور اس میں یہ کہ میں سافٹ ویئر انجینئرس ہائر کرتا ہوں, انہیں ٹرین کرتا ہوں, ان کا کام میں کوڈ ریویو وغیرہ کرتا ہوں, آئی بیسکلی مینیج دیم, اور اینڈ وی ڈیلیور بگ سسٹمس فار ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. وہ سسٹمس ویب سسٹمس ہیں کچھ جو کہ پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں, اور ان کے ملین آف یوزرس ہیں اس سسٹمس کے. سو سو اٹس آل سافٹ ویئر انجینئرنگ ریلیٹڈ ورک, اور اس میں کافی ٹیکنالوجیز ہم یوز کرتے ہیں جس میں ڈاٹ نیٹ ہو گیا, اینگولر جے ایس ہو گیا, اوریکل ہوگی, اس کے علاوہ آئی ایس سرور ہیں, اور لیٹسٹ ان دا ماڈرن ٹیکنالوجیز. سو وی بلڈ انٹرپرائز لارج سسٹمس جو کہ پوری دنیا میں یوز کیے جاتے ہیں, اور سو دیٹس واٹ وی ڈیولپ ہیئر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. And so in my team we have about 15-20 developers جن کو میرا کام ہے ان کو ساروں کو مینیج کرنا, ان کو to make sure کہ you know we are meeting the deadlines اور ان کے سارا کام وغیرہ دیکھنا. So that's the gist of it. صحیح ماشاء اللہ, آپ کے یقیناً جو کام ہے وہ قابل ستائش ہے, اور آپ ہمارے لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ آپ اس شو کا حصہ ہیں. تو ندیم صاحب, ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے, اور ابھی آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, انہوں نے آپ کی باتیں سنی ہیں, آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے, کس طرح سے آپ کے کام کو دیکھا جائے, جانا جائے, یا ادارے ریچ آؤٹ کرنا چاہیں, کون سے بیسیکلی ذرائع ہیں آفیشلی ریچ آؤٹ کرنے کے, اور آپ کو فالو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی, میری لنکڈ ان پروفائل ہے ندیم شہزاد کے نام سے, یو نو میرا وہاں پر آپ کو مین جاب ٹائٹل سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ مل جائے گا اگر آپ ندیم شہزاد ٹائپ کریں گے لنکڈ ان پہ. اس کے علاوہ فیس بک پر مجھے اسی نام سے اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو میری پروفائل مل جائے گی. تو کسی قسم کی اگر آپ کو ہیلپ چاہیے ان ٹرمز آف کہ کون سی ٹیکنالوجی جو ہے آج کل ہاٹ ہے ان ٹرمز آف سافٹ ویئر مارکیٹ, اور اس ٹیکنالوجی کو کیسے لرن کیا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹلی آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو, اور یو نو جو میری سے مدد ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی آئی ول بی ایبل ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن. انشاءاللہ, اور بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ نے ساری انفارمیشن پبلکلی شیئر کی, اور یقیناً جو لوگ چاہیں گے وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی کر سکیں گے. تو ندیم صاحب, ہم ایک کلیکٹیولی ایک میسیج دینا چاہیں گے مجموعی طور پر, آپ جو ہے وہ ہمارے آڈینس کے لیے دیجیے میری کہانی کے فورم سے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آرڈر فار یو ٹو بی سکسیسفل آپ میں ایک کمٹمنٹ ہونا چاہیے, آپ میں ایک تمنا ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی. مشکلات جو ہیں وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں, وہ ہر ایک کو
हर एक की जिंदगी में वो मुश्किलात आएंगी, लेकिन उनसे भागना नहीं चाहिए, उनको फेस करना चाहिए. सो इवेंचुअली आप उन मुश्किलात को ओवरकम कर लेंगे. और दूसरी बात यह है कि इन आईटी वर्ल्ड, आई मीन आई, मुझे ये पता है कि देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर हु वांट टू गेट इनटू आईटी वर्ल्ड, राइट. तो मेरे ख्याल में सिर्फ डिग्री हासिल करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. जब आप एक कंपनी में किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप एज अ प्रोफेशनल उसे ज्वाइन करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न. यू हैव टू लर्न द पीपल स्किल्स, यू हैव टू लर्न इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट. आपने लोगों को मैनेज कैसे करना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनसे आपका उनसे कैसा रवैया होना चाहिए, आप कैसे काम करवा सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स के आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कूल कभी भी नहीं सिखाएगा, ठीक है. दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न ऑन योर ओन. मेरे ख्याल में ये मैसेज मैं देना चाहूंगा जो भी लोग आईटी में आना चाहते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं कि इन ऑर्डर फॉर यू टू बी सक्सेसफुल यू डेफिनेटली हैव टू हैव दोज सॉफ्ट स्किल्स. आपने बहुत अच्छा कहने दीम सर, स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से आपने जो पैगाम दिया. यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और गिला होने यही होता है कि जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो आपने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपने मैसेज में बता दी, लेकिन फिर भी आपके होने का फ़ायदा उठाते हुए एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इसी चीज़ से रिलेटेड कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग वर्क भी हो रहा है, यंगस्टर्स इस तरफ आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी अब इंटरेस्टेड होना शुरू हो गए हैं, स्टार्टअप्स का भी दौर दौरा चल पड़ा है यहाँ पे. तो इस हवाले से आप कुछ बोलना चाहें, कोई मजीद मशवरा देना चाहें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कौन सी चीजें यहाँ पे करनी चाहिए बच्चों को, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ, मेरे ख्याल में फ्रीलांसिंग इज डेफिनेटली अ वेरी हॉट राइट मार्केट. उसमें आप ये देखें कि द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, ठीक है. व्हाट एग्जैक्टली योर कस्टमर इज लुकिंग फॉर, आप जो प्रस्पेक्टिव क्लाइंट है उनके जेन में व्हाट एग्जैक्टली is the main goal, right? Is the performance the main goal of the system? Agar aap performance main goal hai to aap kuch technologies use karein, for example AngularJS jaise hai, iske alawa Ajax, RESTful API, is kisam ki technologies hain jo ke client side mein hai aur usme ye hai ki aapka server side processing nahi hoti. To so these are the things you can definitely do, right, to improve your outlook and improve your profile. So, बाकी ये कि अगर आपको details चाहिए, definitely I'll be able to help. और आप मुझे connect करें और I'll be able to provide more details. जबरदस्त, गुड हो गया. सही. तो नदीम भाई, फाइनली हम एक क्वेश्चन अपने मेहमानों से ये भी करते होते हैं कि हमारा ये जो शो है मेरी कहानी, इस सवाल से आप कुछ कहना चाहें, हमें कोई मशवरा देना चाहें हमारे तसी के लिए? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में आप तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इस किस्म के आपको लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो मेरे ख्याल में तो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शंस. मैं तो इसको आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट. बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपके अल्फाज हमारे लिए बायस के इजाद हैं और आप जैसे लोगों ही की वजह से ये शो आगे बढ़ रहा है. हम जरूर इंशाल्लाह आपके साथ इन फ्यूचर भी रब्ते में रहेंगे और आपसे और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी शोज करना चाहेंगे इंशाल्लाह. नो प्रॉब्लम, एनी टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी जनाब, आपने सुनी नदीम शहजाद भाई की कहानी. आप हमारे साथ वर्जीनिया यूएसए से लाइव थे और आप माशाल्लाह काफी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जिन्हें यहाँ पे सम अप करना बहुत मुश्किल है. आपने सारी डिटेल्स शेयर की, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से रिलेटेड भी आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी और सारे लिंक्स जो है हमने अपनी डिस्क्रिप्शन और लोअर थर्ड में भी डाल दिए हैं. इसके साथ साथ मेरी कहानी .org और www.facebook.com/मेरी कहानी पर और भी बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं जो यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं. जरूर देखिए और अगर आपको लगे कि ये फायदेमंद है तो अपने चाहने वाले और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मेरी कहानी शो में मुलाकात होती है. तब तक के लिए मुझे यानी फहद यूनिस को दीजिए इजाजत. अल्लाह के बाद.